दोस्तों फिर से बढ़ गई है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। अब इस तारीख तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न और उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों आइए जान लेते हैं इस वीडियो की पहली और बड़ी खबर यहाँ पर। तो सरकारी कर्मचारियों को और सभी जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है और इसके संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये आदेश यानी कि प्रेस विज्ञप्ति भी यहां पर जारी कर दी गई है। और टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को फिर से बढ़ाने का फैसला किया है। अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के पास 10 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल करने का मौका रहेगा। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 थी। कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीखों का विस्तार किया है। अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपना रिटर्न 10 जनवरी 2021 तक भर पाएंगे और वहीं जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ऑडिटेड रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया, यानी कि अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है वो यहाँ पर 10 जनवरी 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। वीडियो की अगली खबर उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जो कि CGHS के बेनिफिशरीज हैं उन सभी के लिए CGHS हेडक्वार्टर की तरफ से 29 दिसंबर 2020 को एक ऑफिस मेमोरेंडम यहां पर जारी किया गया है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को एक स्पेशल सैंक्शन यहाँ पर दे दिया गया है। इससे पहले भी CGHS हेडक्वार्टर की तरफ से एक आदेश जारी किया था 24 अगस्त 2020 और उसके बाद में 30 सितंबर 2020। इसके आदेश यानी इन आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को बाज़ार से दवा खरीदने के छूट यहाँ पर दी गई थी और कहा था उनके पास में जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है उसके आधार पर वो मार्केट से दवा खरीद सकते हैं और उनका रिइंबर्समेंट उन्हें कर दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनज़र एक बार फिर से इस समय सीमा को यहाँ पर बढ़ा दिया है। पहले ये जो समय सीमा थी वो यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 तक थी, लेकिन अब यहाँ पर कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनके द्वारा जो शिकायतें मिल रही हैं और उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट यहाँ पर मिल रही हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारी और पेंशनर जो कि क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं यानी कि जिनको क्रोनिक डिजीज है और जिनको रेगुलर दवाएं यहां पर लेनी पड़ती है, तो वो कर्मचारी और पेंशनर्स अब यहां पर 28 फरवरी 2021 तक उनके पास में जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसके आधार पर मार्केट से दवाएं वो परचेज कर सकते हैं और उनका रिइंबर्समेंट यहां पर CGHS के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से ये बड़ी राहत यहां पर दे दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि द मैटर हैज बीन रिव्यूड बाय द मिनिस्ट्री एंड इट इज नाउ डिसाइडेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर OM ऑन द सब्जेक्ट दैट CGHS बेनिफिशरीज गेटिंग मेडिसिन फॉर क्रोनिक डिजीज शैल बी permitted to purchase medicines based on the prescription held prescribed by the CGHS medical officer, CGHS specialist or other government specialist or specialists of medical empaneled hospital till 28th February 2021 on the same condition as per the earlier OM dated 27-3-2020. It is also clarified that the CGHS wellness center are functional and CGHS beneficiaries also have the option to collect the medicine through CGHS wellness center as per normal practice instead of purchasing from market. यानी कि जो कर्मचारी जो कि क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं उनको जो दवाएं हैं वो यदि उनके पास में प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है जो कि किसी भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसके बेस पर वो दवाएं खरीद सकते हैं, उनका रिइंबर्समेंट यहाँ पर उन्हें कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो CGHS के वेलनेस सेंटर हैं वो रेगुलर तरीके से काम कर रहे हैं, यदि एक बेनिफिशरी चाहे तो वो CGHS वेलनेस सेंटर से भी अपनी दवाएं यानी कि मेडिसिन से कलेक्ट यहाँ पर कर सकता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को और टैक्स पेयर्स को केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है कि सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है और उसके बाद में अब स्पेशल सैंक्शन यहाँ पर दे दिया गया है कि क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे कर्मचारी और पेंशनर्स 28 फरवरी 2021 तक बाहर मार्केट से दवाएं परचेज कर सकते हैं। तो ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले।